हाँ इधर ध्यान दो। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पेंट के बारे में देखा था, है ना, पेंट का स्टार्टिंग का लेक्चर देखा था। अभी उसमें और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पेंट चालू करने के लिए कितने जाओगे बोलो? स्टार्ट, बाद में किसमें आने का है, ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एसेसरीज, और उसमें कितने आने का है, पेंट। हो गया पेंट की विंडो ओपन। अभी लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था, पेंसिल से ड्राइंग देखा था, बोलो ना, पेंसिल से जो भी चाहिए ड्रॉ कर दो। सबको सिलेक्ट करने का तो शॉर्टकट किस क्या बताया था, कंट्रोल ए। पता कैसे चलेगा सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये ऊपर बॉर्डर आ गई ना, मतलब सिलेक्ट हो गया। और नहीं चाहे तो कौन सा बटन दबाने के लिए बोला था, डिलीट, बोले ना, वही जो डिलीट किया अभी उसको एक स्टेप पीछे लाने का है। तो उसके लिए कौन सा बटन दबाया था, कंट्रोल जेड। समझ रहे इतना तक? वापस कंट्रोल ए करके क्या करते हैं, डिलीट बटन दबा दिया। बाद में वापस पेंसिल जाए तो कौन सा बटन लिया था, पेंसिल के ऊपर गए थे, बराबर। इस कलर के बारे में बताया था, कौन सा कलर ऑन रखने के लिए बोला, इधर ब्लैक कलर, इधर सामने जो कलर रहेगा वही कलर में आपका टाइपिंग चालू होता है। मैंने दूसरा कलर लिया तो उस कलर में आ जाएगा आपका राइटिंग। समझ रहे इतना? फिलहाल हमने क्या कर दिया, ब्लैक कलर लिया। अभी हमने क्या देखा था, पेंसिल का देखा था ना, तो अभी अलग अलग ही टूल्स है ना, उसका यूज़ देखते हैं। पहले पेंसिल लिया, इधर से ड्रॉ करो, सपोज जो भी कुछ चाहिए उधर से ड्रॉ कर दो। आ गया? अभी हमें नहीं चाहिए इतना पार्ट, नीचे वाला नहीं चाहिए तो हटाने का है। तो हटाने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, इरेजर। कौन सा बटन दबाने का है, इरेजर। आ गया? और इरेजर से क्या करोगे, इतना इरेज करो। देखो लेफ्ट बटन दबा के खींचने का है, समझे ना, माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर दो तो उतना चला जाएगा पार्ट्स। समझ रहे इरेजर का मतलब क्या, जो नहीं चाहिए उसको आप इरेज कर सकते हो। समझ रहे इतना था? सबको सिलेक्ट करने का तो वापस कंट्रोल ए और डिलीट बटन दबा दिया। अभी आगे वाले पार्ट देखते हैं अलग अलग। ये क्या लिखा है, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का है, तो क्लिक करो, है ना, इधर से स्ट्राइक ड्रैग कर दिया, बाद में बाहर क्लिक करने का एक बार। हो गया? साइज बढ़ाने का तो साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। अभी इधर से देखो आ रहा है बड़े साइज में, ये वाली लाइन कौन सी है, कर्व लाइन है ना। तो कर्व लाइन कैसे आएगी, पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करने का है, बाद में उसको खींचो। देखो खींच दिया नीचे, देखो दो बार टर्न कर दिया ना, एक बार नीचे टर्न कर दिया, दूसरी बार ऊपर टर्न कर दिया, तो दो ही बार टर्न होती है सिर्फ। कितने बार टर्न हो जाएगी लाइन, दो बार टर्न हो जाएगी। बाद में ये चाहिए तो ये ड्रॉ करो, सर्कल चाहिए तो सर्कल, रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल, है ना, जैसे ड्रॉ करने का है। आ रहे? अभी इसके अंदर कलर फिल करने का है। तो अंदर कलर फिल करने के लिए क्या लिया था, बकेट। लास्ट लेक्चर दिखा था ना, बकेट में जाने का है फिल विथ कलर। कौन सा कलर चाहिए वही कलर सिलेक्ट करो और क्या करोगे, इसके अंदर क्लिक करो सिर्फ। हो रहा है इतना कलर सिलेक्ट, समझेगा? अभी उसके बाद क्या देखने का है, ये वाला पढ़ो, इधर क्या लिखा है, ब्रश करके लिखा है ना, तो ब्रश के ऊपर जाते, कौन सा ब्रश चाहिए वैसे ड्राइंग बना सकते हैं आप। ये वाला ब्रश चाहिए ना, मार्कर, कौन से कलर में आएगा, ये वाला कलर है। दूसरा कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो, वैसे आ जाएगा राइटिंग। आपको अलग चाहिए ब्रश, वापस उस पास उसके ऊपर जाते, दूसरा स्टाइल लिया। अरे मतलब बहुत सारे स्टाइल के ब्रश मिल जाएगी आपको, आया समझ में इतना। अब ये सबको एक साथ सिलेक्ट करने का है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, कौन सा बटन दबाओगे, कंट्रोल बटन दबा के ए बटन दबाने का है। देखो हो गया सब सिलेक्ट, और नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाने का है, डिलीट बटन, कीबोर्ड के ऊपर का डिलीट नाम का बटन दबाने का है। चला गया इतना? अभी देखो ये साइज, जब भी हम ड्रॉ करते हैं साइज बड़ा क्यों आता है, देखो ये स्टार ड्रॉ किया सपोज, ये कलर क्यों आ रहा है मालूम है ना, क्योंकि इधर सेलेक्टेड है, तो साइज बड़ा क्यों आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो क्या करोगे, इसको बाहर क्लिक करो। और दिख रहा है लाइन स्टाइल है ना, स्टाइल के ऊपर जाते क्या लोगे आप, सिंगल साइज सिलेक्ट करो।
अभी देखो ड्रॉ करके आ रहे छोटे साइज में, समझ रहे इतना फिल करने का, तो आप इधर से फिल कर सकते हो। देखो अभी सपोज क्या कर दिया, इधर से ड्राइंग कर दिया ना, अरे अभी फिल करने का, तो इधर से आप फिल करो। है ना, हो रहा फिल? अरे अभी क्या देखते हैं आगे, सपोज ये नहीं चाहिए हमें, तो हटाने के लिए शॉर्टकट किस क्या है, वापस वही बटन दबाने, कंट्रोल है और डिलीट, चला गया इतना। अभी अलग कलर चाहिए तो और अलग कलर भी ले सकते हो, इधर देखा एडिट कलर, ये कलर सपोज आपको नहीं पसंद है, समझे ना, इधर दूसरे कलर के ऊपर क्लिक करो, इधर जाने का एडिट कलर्स, तो आप इधर से कौन सा भी कलर ले सकते हो, आपको जो भी कलर पसंद है उसको क्या करोगे, ओके करो, तो उधर वही कलर आ जाएगा, मतलब उस कलर में आप फिल कर सकते हो, समझेगा इतना तक। हाँ अभी आगे का देखने का है, ये हमने सिलेक्ट करके बताया था ना, अभी सिलेक्ट में देखो अलग अलग स्टाइल, सपोज हमने क्या लिखा, रेक्टेंगल लिया सपोज, इधर से कौन सा कलर लिया, ब्लैक कलर, उधर हमने ड्रॉ कर दिया, कुछ कर दिया ड्रॉ, अभी इसके अंदर कुछ कलर फिल करने का, तो क्या जाओगे फिल में आते, कोई भी कलर सिलेक्ट करके क्लिक कर दो अंदर, हो रहा है कलर सिलेक्ट। अभी इससे पहले हमने क्या किया था, सबको सिलेक्ट करते, कंट्रोल ए कर रहे तो क्या होता है, सबको सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट हो रहा था ना, लेकिन अभी अभी पूरा सिलेक्ट नहीं करने का है, तो क्या करोगे, मुझे इतना ऊपर का ही पार्ट सिलेक्ट करने का है, तो उसके लिए क्या जाओगे, ये देखो ये सिलेक्ट के एरो के बजाने का है, ये लिखा है इधर एरो, है ना सिलेक्शन लिखा है, तो अभी सिलेक्शन में कौन सा सिलेक्शन लोगे, पहला वाला सिलेक्शन, कौन सा सिलेक्शन लोगे, पहला वाला, क्या लिखा, रेक्टेंगल सिलेक्टर ना, मतलब रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर दिया और जितना चाहिए उतना ड्रैग करो, देखो हो गया इतना सिलेक्ट, बराबर है, और नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाओगे, डिलीट बटन, नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाने का है, डिलीट बटन, देखो देखो उतना ही हो रहा सिलेक्ट, पीछे आने का तो क्या करोगे, कंट्रोल जेड आ गया, बोलो कैसे किया था, किधर गए थे, होम में ही जाने का है, सिलेक्ट के आरो के पास जाने का, और क्या लोगे जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, अब जितना भी पार्ट चाहिए उतना सिलेक्ट करो, अब इस पार्ट को बाकी दूसरी जगह लेके जाने का, तो क्या करोगे, इधर से खींचने का माउस को, समझे ना, इधर से खींचा तो क्या आता है, साइज कम ज्यादा होगी, लेकिन उसको उठा के बाजू में लेके जाने का, तो क्या करोगे, चार एरोज, है ना, एक याद रखो कितने एरो आ रहे हैं, चार एरो ना, मतलब जब चारों साइड से एरो आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम दूसरी जगह लेके जा सकते हो, देखो इधर से खींचा मैंने, आ रहा है, लेकिन ये पढ़ो क्या लिखा है इधर, कितने एरो आ रहे हैं, दो एरो, तो दो एरो का मतलब क्या रहेगा, उसका साइज कम ज्यादा करना, अब इधर से खींचते नीचे, देखो बढ़ रहा है साइज, समझ रहे इतना डिफरेंस क्या है, वापस इसको वापस इधर बिठाने का है, तो क्या करोगे, एक स्टेप पीछे आने का है, तो कौन सा बटन दबाओगे, कंट्रोल जेड, देखो आ गया पीछे, समझ रहे एरो का मतलब क्या होता है, दो एरो का मतलब क्या होता है, चार एरो का मतलब क्या होता है, दो एरो आएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, साइज कम ज्यादा होती है, देखो वापस एक बार सिलेक्शन में गए, अभी आगे वाला कौन सा लिया हमने, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, फ्री फॉर्म मतलब क्या, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आप पेंसिल जैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हो ना, इतना सिलेक्शन हो गया, देखो अभी दिखने में तो आ रहा है पूरा सिलेक्ट हो गया ना करके, लेकिन उसको बाजू में खींचते कितने एरो आ रहे हैं, चार एरोज, तो चार एरोज आएंगे तो क्या करोगे, बीच में से खींचने का उसको, देखो कैसे सिलेक्ट हो रहा था, साइज बढ़ाने का तो क्या करोगे, इधर माउस लेके जाने का, आ रहे दो एरो, इधर से किया तो क्या होगा, दोनों साइड से साइज कम ज्यादा होगी, समझ रहे इतना तक, और नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाओगे, डिलीट हो गया उतना ही डिलीट, सबको सिलेक्ट करने के लिए क्या बताया था, कंट्रोल ए ना, वही दूसरा ऑप्शन क्या बताया है, इस एरो के बजाने का है, और एरो से क्या लोगे आप, सिलेक्ट ऑल, दोनों का मतलब एक ही होता है, और डिलीट कर दिया, चला गया, समझेगा इतना तक।
अभी क्या देखने का आगे वाला? रिपोर्टो क्या लिखा है? कट, कॉपी और पेस्ट। क्या लिखा है? कट, कॉपी और पेस्ट। उसके लिए हमने क्या कर दिया? एक स्टार ड्रॉ किया सपोज, है ना, स्टार। इसको ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर कुछ कलर फिल करने का, तो क्या जाओगे? फिल विथ कलर। कोई भी एक कलर फिल कर दिया सपोज, अंदर क्लिक करो, इतना मालूम है। अभी हमें मुझे ऊपर का वाला पार्ट का कॉपी चाहिए, या फिर इसका ही मुझे और एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो आप किधर जाओगे? सिलेक्शन में जाने का क्या लोगे आप? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, बोलो ना। इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया, अभी ऐसे ही पार्ट मुझे और एक इधर चाहिए और ये साइड भी चाहिए, तो आप क्या करो? सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद क्या पढ़ोगे? इधर कॉपी करने का है, समझे ना, क्या करोगे? कॉपी, कट नहीं करने का, कॉपी के ऊपर क्लिक कर दिया, कर दिया कॉपी। अभी किधर जाइए पार्ट? तो कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये लिखा ना पेस्ट, तो इसके ऊपर क्लिक करने का ऊपर, देखो आ गए ये पार्ट। इसको जब आप इसके बाजू में लगा सकते हो, देखो इतना तक, बाद में बाहर क्लिक कर दो, आ गया, समझ रहे कैसे सिलेक्शन करने का? अभी बोलो इसको सिलेक्शन करने का, तो क्या करोगे? इधर आने का पहले सिलेक्ट, डायरेक्ट इधर से लिया तो भी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही आता है, इधर से सिलेक्ट कर दिया, हो गया। बोलो कैसे करोगे कॉपी? कॉपी मतलब डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी उसकी, तो किधर जाओगे? एक बार कॉपी के ऊपर जाते, कर दिया कॉपी के ऊपर क्लिक, और कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद किधर जाओगे? पेस्ट के ऊपर क्लिक करने का, आ गया। और इसको राइट साइड में कैसे लेके जाओगे? मूव टूल से उसको उठा के इधर लेके जाते राइट साइड में, आ रहे। बाद में क्या करोगे? बाहर क्लिक करो, समझ रहे इतना तक, समझेगा? लेकिन अभी हमने क्या कर दिया था? कॉपी किया था ना, अभी हमने क्या कर दिया? इतना पार्ट सिलेक्ट कर दिया सपोज, समझे ना, इसका इतना पार्ट क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दे, इतना ही पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, कर दिया सिलेक्ट। अभी हम कॉपी की जगह क्या कर दे? उसको कट कर दे। कट मतलब क्या? इतना पार्ट इधर से चला जाएगा, बोलो ना, डिलीट नहीं होगा, इधर से क्या होगा? कट होगा। देखो हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, बराबर है। अभी वापस लाना रहेगा तो क्या करोगे? उसको ही पेस्ट कर सकते, देखो आ गया, मतलब डिलीट नहीं हुआ था, समझ ना। कट का मतलब क्या? एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह लेके जा सकते हो, इसको चाहे तो आप दूसरी जगह लेके जा सकते हो, लेकिन फर्क क्या होता है कट और कॉपी में? कट करते तो क्या होता है? ओरिजिनल जगह से कट होता है, लेकिन जब हमने इससे पहले कॉपी किया था तो ये ओरिजिनल चला गया था क्या? नहीं चला गया था, उधर ही था ना, समझ रहे हो डिफरेंस क्या है कट और कॉपी में? कट करते हैं तो ओरिजिनल जगह से कट होता है, और कॉपी करते तो क्या होता है? ओरिजिनल जगह तो वैसे ही रहता है, और जिधर हम पेस्ट करते उधर आ जाता है, समझ रहे हो डिफरेंस इतना कट और कॉपी, समझेगा? पीछे आने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल जेड किया तो वैसे बैठेगा, आ रहा है क्या इधर? और एक बार कंट्रोल जेड करो, देखो आया सबको, समझ रहे इतना। अभी सबको सिलेक्ट करने का तो क्या करो? इधर से सिलेक्ट, इधर से सबको ड्रैग कर दिया जाए तो, और नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट, समझेगा? अभी मैंने इस कलर के बारे में देखा था, कलर नंबर एक लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है? जो हम ड्राइंग करेंगे इस कलर से आ रहा है, बोलो ना, एक नंबर कलर है ना, उससे ड्राइंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो ये कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है। इसका मतलब क्या है? ये बैकग्राउंड में जो कलर है ना, वही कलर इधर है। अभी हम क्या करते हैं? बैकग्राउंड कलर सबको चेंज कर दिया, सॉरी, बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे होगा? तो पहले बैकग्राउंड के मतलब इधर क्लिक करो, इसका नाम भी आ रहा है, देखो बैकग्राउंड कलर, क्लिक कर दिया, कोई दूसरा कलर ले लिया, बैकग्राउंड में ये कलर आ रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे? सबको सिलेक्ट करते जाए तो, सपोज आपने बाद में कुछ ड्रॉ कर दिया ऐसा, तो सबको सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या थी? कंट्रोल ए, और नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट। लेकिन अभी आप डिलीट बटन दबाओगे तो पीछे कौन सा कलर शो करेगा? ये वाला कलर शो करेगा, देखो हम डिलीट बटन दबाते, समझ रहे बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, समझेगा? अगर ऐसे हुआ और आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो आप क्या करोगे?
एक बार इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो, मतलब दो नंबर के ऊपर क्लिक करने का है। और कौन सा कलर लोगे? वाइट कलर। लेकिन अभी तक वाइट कलर आया क्या? नहीं आया। कभी आएगा वाइट कलर? कंट्रोल बटन दबा के क्या दबाने का है? ए बटन दबाने का है। कंट्रोल बटन दबाने के बाद क्या करोगे? ए बटन दबाने का है। और कौन सा बटन दबाओगे फिर? डिलीट। कौन सा बटन दबाने का है? डिलीट। देखो हो गया डिलीट, समझ रहे इतना तक? आएगा समझ में इतना? समझे? अभी इसके बाद क्या करते हैं देखो, ये व्यू ऑप्शन देखने का। कौन सा ऑप्शन देखोगे? व्यू। देखो इस व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, ये क्या था? जूम इन और जूम आउट, जो हमने इधर से देखा था ना वही है। देखो इधर हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ये छोटा है ना, इसके अंदर कुछ कलर फिल कर दिया, इधर से लिया सपोज, है ना। और ये कलर व्हाइट ही रखो, बैकग्राउंड वाला कलर आ गया। अभी इसके ऊपर आ गए वापस। अभी हमें क्या करने का है? व्यू में जाते हैं और क्या लिखा है इधर? जूम इन, मतलब क्या होगा? साइज बढ़ जाएगी। प्लस जो किया था ना हमने, इधर क्लिक करके देखा था वही ऑप्शन इधर भी दिया है। देखो बढ़ रहा है साइज, इसको स्क्रॉल करके देखो चाहे तो, और क्लिक कर दिया जूम इन, समझ रहे इतना? माइनस करने का तो क्या करोगे? जूम आउट। हो रहा है? बढ़ने के लिए इधर से प्लस करने का, कम करने का है तो माइनस के ऊपर जाने का। लेकिन ये क्या लिखा है? 100%, मतलब क्या डायरेक्टली आपको 100% मिल जाएगा? इधर से माइनस करने की जरूरत है क्या? देखो डायरेक्टली हमने 100 के ऊपर क्लिक कर दिया, आ गया। ये पढ़ो क्या लिखा है। रूलर, रूलर मतलब इधर रूलर आ जाएगी, ये ऊपर है ना रूलर, ये आपको नहीं जाए तो इधर से बंद कर दो। देखो चले गई, लेकिन जब भी काम करोगे अभी से रूलर को क्या करने का? ऑन करके रखने का है। इधर पढ़ो क्या लिखा है। ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या है? बीच में ऐसे डॉटेड लाइन आ जाएगी। देखो ग्रिड लाइन चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करो एक बार। अरे ग्रिड लाइन, समझेगा? अगर ये ग्रिड लाइन नहीं चाहिए आपको तो क्या करोगे? वापस उसके ऊपर ही क्लिक करो। इस ग्रिड लाइन का यूज क्या रहेगा? आप प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ग्राफ पेपर में हम ड्रॉ करते हैं ना, वैसे प्रॉपर देख के ड्रॉ कर सकते हो। इधर पढ़ो क्या लिखा है। स्टेटस बार, ये वाला जो दिख रहा है ना स्टेटस, नीचे तो उसको बंद कर दो। देखो चला गया स्टेटस बार। ऑन करने का तो क्या करोगे? ऑन कर दो। ये पढ़ो क्या लिखा है। फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मतलब क्या? ये जो हमारा पेज है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, समझे ना? फुल स्क्रीन मतलब क्या? ये वाला पेज क्या आएगा? फुल स्क्रीन में आ जाएगा, समझेगा इतना? समझेगा? फुल स्क्रीन में आ जाएगा ऐसा। और बाहर आने का तो कौन सा बटन दबाओगे? एस्केप बटन, समझेगा इतना तक? कीबोर्ड के ऊपर का एस्केप बटन दबाने का है, करोगे इतना? होम में आने का तो होम में, ये कौन सा मेनू बताया था? फाइल मेनू। जैसे अगर सपोज मैंने बोला कि फाइल के ऊपर क्लिक करो तो इस इधर क्लिक करने का है, और बंद करने का तो इसके ऊपर ही क्लिक कर दो, करोगे इतना तक? आएगा क्या? क्या देखा था ये वाला सिलेक्शन, समझ में सबको? समझेगा? समझेगा? करोगे इतना प्रैक्टिस? इसमें और एक देखते हैं सपोज, लास्ट वाला। इधर से हमने कुछ ड्राइंग कर दिया, ये वाला एरो ड्रॉ कर दिया सपोज, है ना? एरो कौन सा ड्रॉ कर दिया? ये वाला राइट साइड वाला एरो। अरे इसके अंदर कुछ कलर फिल करते है। अब इसको घुमाने का है, तो घुमाने के लिए क्या जाओगे? थोड़ा उधर क्या लिखा है? रोटेट ना, कितना डिग्री में रोटेट कर दिया? 90 डिग्री लेफ्ट। देखो इधर नीचे आ गए, हो गया रोटेट। समझे ना? ऐसे आप अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हो। और 90 डिग्री लेफ्ट किया। अरे ये क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? ये डायरेक्शन इधर है ना, तो उसका डायरेक्शन इधर चले जाएगा। देखो आ रहे, समझ रहे इतना? और इससे क्या होगा? वर्टिकल मतलब क्या? ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा? नीचे आएगा। देखो समझ रहे, मतलब उल्टा होता है इधर से, तो इधर डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, एक साथ रहेगा तो ही पता चलेगा, समझे ना? देखो कैसे करते। देखो इधर क्या कर दिया,
इसके ऊपर गए ना, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दे सपोज। मैंने जैसे ऐसा कुछ पार्ट ड्रॉ कर दिया, बराबर है। अब इसको क्या करोगे, रोटेट वर्टिकल, मतलब क्या है, उल्टा हो जाएगा इधर से, बोला वर्टिकल समझे ना, हॉरिजॉन्टल किया तो क्या होगा, ये डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा इधर से, आया करोगे ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखोगे इतना प्रैक्टिस करके। तो आज क्या करने का है, पेंट का ही प्रैक्टिस करोगे, समझेगा, पेंट समझेगा। नेक्स्ट लेसन से हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, करो इतना प्रैक्टिस।